हमीरपुर जिला के भोटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साइंस लैब का काम 3.5 सालों में भी पूरा नहीं हो सका है। इस साइंस लैब के लिए सरकार ने 1,38,16,000 रुपए मंजूर किए थे। 2018 को साइंस लैब के लिए फंड जारी हुआ था। इस साइंस लैब का ठेका एक ठेकेदार को 12 महीने के भीतर करने के लिए दिया गया था, लेकिन ठेकेदार इस कार्य को इस अवधि में पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद विभाग ने साइंस लैब का कार्य हिमुडा को दिया और 52 लाख रुपए हिमुडा को जारी किए। इसके बाद हिमुडा ने ये काम शुरू किया और 37,61,000 रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद भी कार्य बंद कर दिया। इतना ज्यादा बजट होने के बावजूद बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाई है। भोटा से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रमन कांत की रिपोर्ट। जिला व प्रदेशवासियों को 2022 की व प्रदेश के अग्रणी समाचार पत्र दिव्य हिमाचल की 25वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई व नया साल आप समस्त लोगों के लिए खुशियां लेकर आए।